और चलिए अब बात कर लेते हैं डाना तूफान की। डाना तूफान अंडमान सागर से तेजी से बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ रहा है। ये तूफान काफी विनाशकारी हो सकता है, ये भी संभावना है, जिसको लेकर के तैयारियां जारी है। रेस्क्यू टीमों को अलर्ट पर रखा गया है, स्कूलों की छुट्टी भी कर दी गई है, कई ट्रेनें भी इसको लेकर के रद्द कर दी गई है। सावधान, आ रहा है डाना तूफान, विनाशकारी तूफान, समुद्र में उफान। अंडमान सागर से उठा चक्रवाती तूफान डाना तेजी से बंगाल की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। ओडिशा से लेकर पश्चिम बंगाल तक समुद्र में उठ रही ऊंची लहरें महाविनाश का ट्रेलर दिखा रही हैं। डाना तूफान की आहट पर ओडिशा और पश्चिम बंगाल की सरकार की नजर है। हर तरह की मुकम्मल तैयारियां की जा रही हैं, जिससे कोई भी जिंदगी तूफान की चपेट में ना आए। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा और पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। इस दौरान 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग की ओर से ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ ही देश के कई दूसरे राज्यों में भी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। साइक्लोन डाना कभी भी दस्तक दे सकता है, लेकिन उसकी एक मुकर्रर तारीख है। लेकिन जो पीछे तस्वीरें अगर आप देखिए, तो जो एक प्रचंड, जो कह सकते हैं पानी की जो धारा है, वो साफ तौर पर आपको दिखेगी। यहाँ पर पूरी के इस जगह पर आप देख सकते हैं कि जो टाइड है वो कितनी ऊंची लहरें यहाँ पर उठती जा रही हैं। हालांकि तैयारियों की बात करें तो 29 में से तकरीबन 14 तटीय जिले हैं जहाँ तूफान का व्यापक असर होने की आशंका है। 21 अक्टूबर को अंडमान सागर से उठा ये तूफान 24 अक्टूबर की रात या फिर 25 की सुबह को तट से टकरा सकता है। इस तूफान का सबसे ज्यादा असर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, बिहार में देखने को मिल सकता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से होने वाले विनाश को रोकने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है। ओडिशा में डिजास्टर रैपिड एक्शन फोर्स की 51 टीमें तैनात कर दी गई हैं। फायर ब्रिगेड की 178 टीमें अलर्ट पर हैं और एनडीआरएफ की 20 टीमों को भी अलर्ट रखा गया है। 14 जिलों में स्कूलों की छुट्टी कर दी गई है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तूफान से निपटने के लिए सरकार तैयार है, जिससे डाना से होने वाले महाविनाश को रोका जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी किस तरीके से जो तूफान है यानी कि डाना तूफान है वो ओडिशा में दस्तक देने वाला है, लेकिन तैयारियां किस कदर की गई है वो जरा हम जान लेते हैं। विवेक हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विवेक, रेस्क्यू टीम वहां पर किस तरीके से तैयारी कर रही है, और साथ ही साथ ये भी बताइए क्या वहां पर इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि काफी खतरनाक ये तूफान बताया जा रहा है, जब दस्तक देगा तो किस तरीके से तबाही हो सकती है। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, डाना जो है एक डाना उससे कम नहीं है। आप अगर मेरे पीछे की तस्वीरों को अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जितने कोस्टल गार्ड हैं सबकी ड्यूटी लगा दी गई है, और सभी लोग जो लाइफ गार्ड हैं, यहाँ कैप्टन हैं या फिर उनकी जो पूरी टीम है, वो लोगों को यहाँ से हटाने की तैयारी कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले, तकरीबन 5 मिनट पहले, लोगों की जो भीड़ थी वो पानी के मज़े ले रही थी और नहा रही थी, लेकिन इस वक्त अगर आप देखेंगे तो पूरी की तरह और ये पूरा जो भीड़ है उसे हटा दिया गया है। और आगे और भी अगर आप दूर जाएंगे तो वहाँ पर पुलिस की टीम को भी लगाया गया है, जो पूरे जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर गश्त कर रही है। उनके हाथ में लाल झंडा है। हालांकि अगर आप इस कोस्टल एरिया को अगर गौर से देखेंगे तो यहाँ पर सारे इंतजाम पर्यटकों के लिए किए गए थे, लेकिन जो खबर आ रही है कि 3000 से ज़्यादा पर्यटकों को सुरक्षित भेज दिया गया है। जो होटल्स की बुकिंग है उसे रोक दिया गया है, और 14 ऐसे ज़िले चिन्हित किए गए हैं जहाँ स्कूल कॉलेज की जो छुट्टियाँ हैं वो 25 तक छुट्टी कर दी गई है। तो ऐसे में काफ़ी अहम यहाँ हो जाता है। और ख़ास बात ये कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर वहां भी श्रद्धालुओं से नम्र निवेदन कर दिया गया है कि 25 अक्टूबर तक ना आए। तो ये जो आप तस्वीर आप देख पा रहे हैं, कई मायनों में खास है, ये लाइफ गार्ड्स हैं जो कि लगातार लोगों को सचेत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि यहां पर आपको नहीं आना है। क्या आपको आपको क्या सूचना है, आपको क्या ड्यूटी लगाई गई है? हमारा ड्यूटी है, बीच में एंट्री नहीं है सर, पानी का डेंजर शुरू हुआ। अभी कल तो थोड़ा कम किया, आज पूरा ज्यादा डेंजर हो गया पानी का, इसलिए टूरिस्ट का मना कर रहा हूं, अंदर मत नहीं जाओ, पानी का डेंजर खराब है। तो जो लोग हैं वो मान रहे हैं आपकी बात?
हाँ सर मान रहे हैं। मान रहे वो यहाँ से चले जा रहे हैं? हाँ, चले जा रहे हैं सर। तो आपने सुना कि लोग हैं जो कि इनकी बात को मान रहे हैं क्योंकि जीवन सबके लिए जरूरी है, और ऐसे में हर वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। जरा इस तरफ देखिए, ये सारे पर्यटक हैं और यहाँ पर सारी चीज़ें पर्यटकों के लिए व्यवस्थित करके रखी गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। जैसा कि हमने कहा कि 5 से 10 मिनट ही हुए हैं और अचानक से एक सायरन की आवाज़ आती है और लोगों को यहाँ से हटाया जाना शुरू कर दिया जाता है। अभी भी अगर आप दूर अगर आप देखेंगे वो तस्वीरें जो काफ़ी हम जूम करके दिखाने की कोशिश करते हैं, वहाँ पर देखेंगे अभी भी भीड़ है और सायरन बजाती हुई जो पुलिस की पूरी टीम है, प्रशासन की टीम है, वहाँ तक गई है और लोगों को कह रही है, बराबर कह रही है कि आप दूरी बना लें क्योंकि ये जो हाई टाइड है वो साफ तौर पर अब दिखने लगा है। हवाओं की जहां तक बात है, अभी हवाओं में उतनी तेजी नहीं है क्योंकि कुछ झंडे यहां लगे हुए हैं, उन झंडों को भी हम आपको दिखाना चाहेंगे जो झंडे हैं वहां पर, उनकी गति है। विवेक, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे और आप अपना भी ध्यान रखिएगा। धन्यवाद आपका तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए। लेकिन एक तरफ भारत में दाना तूफान को लेकर तैयारियां हैं, तो वहीं सात समंदर पार क्यूबा में ऑस्कर को लेकर हलचल मची हुई है। हालांकि दोनों ही जगह अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घरों से नहीं निकलने की हिदायत दी गई है। क्या तैयारियां की गई है भारत से लेकर क्यूबा में अलग अलग तूफान को लेकर, इस रिपोर्ट में देखिए। सात समंदर पार, तबाही से हाहाकार, इधर दाना की आहट, उधर ऑस्कर का कोहराम। क्यूबा में तबाही, अब बहामास की बारी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर अब चक्रवाती तूफान दाना का रूप ले रहा है। ये तूफान पश्चिम बंगाल और ओडिशा समेत भारत के कई राज्यों में कहर बरपा सकता है। ये लगातार मजबूत होता जा रहा है और आईएमडी ने सुरक्षित रहने के लिए खास अलर्ट जारी किया है। भारत में जहां दाना तूफान को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं सात समंदर पार बहामास में भी एक तूफान ने लोगों की धड़कनें बढ़ा रखी हैं। इस ट्रॉपिकल तूफान का नाम ऑस्कर है जो क्यूबा में भारी तबाही मचा चुका है। ऑस्कर के कारण क्यूबा में तेज हवा के साथ करीब 15 इंच बारिश हुई। इस चक्रवाती तूफान में 5 लोगों की जान चली गई और अब बारी बहामास की है। क्यूबा में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए हेलीकॉप्टर और रेड क्रॉस को तैनात किया गया। करीब 6000 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। बता दें कि यह तूफान ऐसे समय में आया जब क्यूबा एक बड़े ब्लैकआउट से उबरने की कोशिश कर रहा था। तूफान के बाद पूरा द्वीप 4 दिनों तक अंधेरे में डूबा रहा। ऑस्कर ने पहले बाराकोआ के पास पूर्वी क्यूबा प्रांत ग्वांतानामो में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाओं के साथ श्रेणी 1 तूफान के रूप में दस्तक दी। बाद में ऑस्कर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की हवाओं के साथ कमजोर हो गया था। हालांकि अगले पूरे दिन बारिश होती रही, लेकिन इस तूफान ने अब तक का सबसे छोटा रिकॉर्ड बनाकर इतिहास रचा दिया, जिसकी हवा का क्षेत्र केवल 10 किलोमीटर चौड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।